दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं, तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो वहाँ। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कॉफर डैम्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है, और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स। सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाए जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों की अथक मेहनत
और लगभग 2.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं।